भारतीय संस्कृति एवं परंपरागत उत्सव संध्या माता पहले धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब आधुनिक समय में दीवारों पर गोबर से कलाकृतियां उकेरना बंद सी हो गई है। लेकिन नगर में कई जगह अब भी महिलाओं द्वारा संध्या माता की परंपरा को जीवित रखा गया है। दरअसल संध्या माता का उत्सव श्राद्ध पक्ष में आता है, जिसमें बालिकाएं 16 दिनों तक संध्या माता के गीत गाकर पूजन अर्चन करती हैं, लेकिन समय के साथ साथ परंपरागत संध्या माता विलुप्त होती जा रही है, जिसे पुनर्जीवित करने का काम अब महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। शहर के भेलसा मोहल्ला में महिलाओं ने संध्या माता के गीत गाए, पूजन अर्चन किया। क्या परिचय आपका? मेरा नाम कामिनी गुप्ता है, मैं भेलसा मोहल्ला बड़वानी में रहती हूँ। संध्या माता के गीत गा रहे हैं, क्या कहेंगे संध्या माता? ये संध्या माता लड़कियों कन्याओं का एक अनुष्ठानिक व्रत है, जो बहुत प्राचीन परंपरा से मालवा में मनाया जा रहा है, निमाड़ में भी। और ये एक ऐसी पारंपरिक परंपरा है जो अभी विलुप्त हो गई है, आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे भेलसा मोहल्ले में महिलाओं ने इस परंपरा को जीवित रखा है, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक मैसेज है कि हमें हमारी प्राचीन परंपराओं को बचाकर उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। कितने दिन का त्यौहार है ये? 16 दिन का त्यौहार होता है, जिसमें रोज शाम को महिलाएं एकत्रित होती है, संध्या माता के गीत गाती है और उनके नैवेद्य लगाकर इस परंपरा को निभाती है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।